What's up, lovely people? आप सबको गुड मॉर्निंग, जश दिले एंड नमस्कार। तो आज हम अभी जा रहे हैं नेपाल में सिलगुड़ी से, क्योंकि पापा का जो आई है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वजह से बीरता मोड़ में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आई हॉस्पिटल है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग अभी इलाज के लिए जा रहे हैं। और अभी मेरे साथ है मेरे बड़े भाई, यहाँ पे वो ड्राइविंग कर रहे हैं और पीछे पापा बैठे हुए हैं। और अभी सिलगुड़ी का हाल तो क्या ही बताया, अभी सुबह सुबह से ही थोड़ा बहुत जाम होना स्टार्ट हो भी चुका है, देख सकते हो थोड़ा बहुत। अभी तो खाली है, वैसे थोड़ी देर पहले जाम था। और ये आ गया दार्जिलिंग मोड़, यहाँ से ना ऐसे राइट लोगे तो आप दार्जिलिंग भी पहुँच जाओगे। बाकी अभी थोड़ी देर के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग नेपाल कहाँ से एंट्री करने वाले हैं और उसका एंट्री प्रोसेस वगैरह क्या होगा। अगर वो चीज़ आप लोगों को जानना है तो फिर आप लोग व्लॉग को देखते रहे। So we just had our breakfast. The place is called Bole Baba Loka Dhaba. Roti, chana madar, dal tadka we had. It was good. अगर आप भी नेपाल जा रहे हो और इसी रास्ते से जा रहे हो तो यहाँ पे आप लोग खा सकते हो। वी आर वेजिटेरियन और यहाँ पे वैसे नॉन वेज भी चलते हैं, मगर फिर भी यहाँ पे थोड़ा माने अलग अलग है तो ध्यान रखते हैं। उस वजह से यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी क्या खाया वो दिखाया नहीं क्योंकि बहुत भूख लग रहा था, इसलिए पहले दबाया उसके बाद आप लोगों को बताया। ये जो पूरा हाईवे है जहाँ से नेपाल पहुँचते हैं, ये पूरा हाईवे जो है बहुत प्यारा बनाया हुआ है। अभी तो काफ़ी ख़राब हो गया। हाँ, अभी तो काफ़ी ख़राब हो गया वैसे पहले से, है ना? पहले बहुत सुंदर था, पहले तो बहुत सुंदर था। इसको एक्चुअली एशियन हाईवे है। हाँ हाँ, कनेक्टिंग द नेबर एशियन कंट्रीज। ओके, स्टेट पे ये आपका यहाँ पे हुआ आपका एक नेपाल, जिसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो बांग्लादेश इसी रूट से, भूटान। तो भूटान भी पहुँचाते हैं इसी से? ओके, वो मेरे लिए नया न्यूज़ है। कुछ दिन और कुछ साल और उसके बाद बाय रोड वी कैन ट्रैवल टू थाईलैंड। वाओ, फिर अगर वो पॉसिबल हुआ तो हम दोनों जाएंगे रोड ट्रिप टू थाईलैंड बाय म्यांमार। मार लेंगे क्या है? हाँ, मार लेंगे, उसमें क्या है। गाड़ी बढ़िया होना चाहिए सफर के लिए, इतना बढ़िया गाड़ी है सफर के लिए। कंपनी बढ़िया होना चाहिए, गाना मस्त मस्त बजाना चाहिए, बाकी रास्ते कब कट जाते वो पता भी नहीं चलता। पता नहीं ये थाईलैंड क्या है ना, कोई जब भी कोई थाईलैंड बोलता है ना एक आता है थाईलैंड। थाईलैंड में सिर्फ वो वाली चीजें नहीं होते वहाँ पे, टेंपल्स वगैरह से लेके जितना भी बहुत ब्यूटीफुल है थाईलैंड। और जो थाईलैंड से बाली है ना, बाली, या बाली, बाली इट्स मच मोर ब्यूटीफुल। वहाँ के जो बीचेस होते हैं ना, बीचेस, वो पूरा समुद्र, फिर वहाँ का जो लोकल हिंदू टेम्पल्स वगैरह सुपर। वो आ गया स्टेशन, आप निकालो अपना आईडी कार्ड, चलो निकल जाएगा। हाई फ्लाईओवर फॉर द नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पहुँचने वाले हम लोग। हाँ, नेपाल बॉर्डर पहुँचने वाले, तो अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स निकालना है, तो फिर अंदर पहुँचने के बाद आपको मिलता हूँ। A few inches later. And by the way, that is the border area. यहाँ पे ट्रक्स वगैरह रख रहे हैं और ये जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है ना, वहाँ से एंट्री है। That's the border. ये तो इंडियन बॉर्डर है, इसके उस पार है नेपाल बॉर्डर। So we have entered Nepal. We direct नेपाल नहीं जा सकते, तो यहाँ के जो ये बॉर्डर एरिया है यहाँ से आपको भांसर कटना पड़ेगा, यानी कि नेपाल का वीज़ा। और नेपाल का वीज़ा को कहते हैं भांसर यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। और वीज़ा को आप ये वाले जो यहाँ पे घर है इसके अंदर जाके काटना पड़ता है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे डैड के आई चेकिंग के लिए, तो फिर वन डे ओनली, एक दिन का ही काटने वाले हैं। दिस इज नेपाली कल्चरल ड्रेस।
बाकी मैंने तो कुर्ता पहन रखा है, इसको बाय द वे पंजाबी कुर्ता बोलते हैं। बताओ अब इसे थोड़ा बहुत लाइन तो है, यहीं से काटने वाले हैं। सो अभी बॉर्डर एरिया जो अंदर में है वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने को नहीं मिला, कर रहा था किसी ने मना कर दिया, समझना भी चाहिए, उतना ज़्यादा चूल नहीं होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड करके बैठो। और अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से नेपाल के अंदर में एंटर हो चुके हैं, काकरेबिटा है ना, काकरेबिटा। हाँ, तो इस जगह को जो है काकरेबिटा कहते हैं, जो कि सिलगढ़ी और नेपाल के बॉर्डर है। और यहाँ पे भी अभी दशहरा का माहौल है, फर्स्ट विलेज द फर्स्ट मतलब आफ्टर पंटिंग की, जैसे इंडिया का लास्ट बॉर्डर एरिया है पंटिंग की, नेपाल का स्टार्टिंग बॉर्डर है काकरेबिटा। यहाँ से काकरेबिटा इज द फर्स्ट सिटी, बोलिए सिटी बोले विलेज बोले जो भी बोले, डिस्ट्रिक्ट तो झापा हो गया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट झापा हो गया। और ये हुआ आपका फर्स्ट विलेज ही बोल सकते हैं इसको, सिटी सॉर्ट ऑफ अ टाउन, विलेज और सिटी का मिक्स टाउन है ना। स्टार्ट करो, इसको टाउन आप बोल सकते हो, सिटी के लिए तो अभी माने काफ़ी ज़्यादा भयंकर बड़ा होना चाहिए, सिटी तो उतना बोल नहीं सकते, काफ़ी माने ठीक ठाक साइज है। और नेपाल का जो रास्ता है ना, नेपाल सरकार नहीं बनाती, बाहर के जैसे चाइना हो गया, जापान, इंडिया, वहाँ से बनाए जाते हैं, तो उस वजह से जो यहाँ का जो काठमांडू सब यहीं से जाते हैं। हाँ, और मैं था रोड के ऊपर में, तो रोड जो है यहाँ का बहुत ही बढ़िया होता है, हाईवे जो होता है, क्योंकि यहाँ का सरकार नहीं बाहर का सरकार बनाती है। तो ये देखिए, पहले तो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, मगर अभी थोड़ा बहुत बीच में क्रैक्स वगैरह है, फिर भी कितने रोड मैंने देख लिया है उससे तो ज़्यादा काफ़ी बेहतर ही है। हम लोग जिस आई हॉस्पिटल में आ रहे थे, वो तो पहले जब हम आए थे ना बहुत साल पहले, वो बहुत छोटा हुआ करता था, और जो वो छोटा था वो अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी बन चुका है। लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे आने में ना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि जो अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले लोग जा रहे थे वो बोले कि अस्पताल जो है बंद है अभी, लेट्स सी क्या बोलते हैं अंदर में। पापा और भैया तो जा रहे हैं, ये कौन सा कंपनी का कार है, नेपाल में बहुत यूनिक यूनिक कंपनी है। तो गाइस साइड न्यूज़ ये है, जिस अस्पताल में हम लोग आए थे अभी यहाँ पे भी दशहरा यानी कि दशहरा का माहौल है, इस वजह से डॉक्टर साहब आधे दिन में ही चले गए, कल से ही वो यहाँ पे फुल्ली बैठने वाले हैं, और कल का हमारे पास टाइम है नहीं, तो अभी क्या करें, मूड ऑफ हो रखा है, इतना दूर आने के बाद डॉक्टर नहीं मिल रहा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, हाय कोई ना, यहाँ पे एक मॉल है नेपाल का, मॉल में चलते हैं थोड़ा बहुत घूमते हैं, मैंने भी कभी देखा नहीं। तो
inside the mall, and it might be the craziest mall I have ever seen. Just look at it. These are all sandals, slippers, shoes. So agar koi juta wala, chappal wala diwana ho to yahan pe aa sakte. Bahut crazy collection hai yahan pe. Juta ka to aap logon ne dekh liya, magar kapde ka store to usse bhi zyada bhayankar hai. I'm just shocked right now. उसमें से ना यहाँ का सबसे बढ़िया बात क्या लगा कि साइजेस जो होते हैं, जैसे वहाँ पे 3XL लगाया है ना, मीडियम लगाया है, आगे से ये सब बता रखा है, तो उस वजह से क्या है कि ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है और चूज करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है. काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन वगैरह है यहाँ पर. अच्छा है, ठीक ठाक है इसको. कोई कोई अपना बचपन जी रहे हैं. बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. क्रेजी. There are some really crazy toys in here. खेलने वाला. जाके बस चलते हैं. तुम किन लिया? किन लिया? They talk. और अब नेपाल का टूर ख़त्म हमारा. नेपाल से फिर वापस अपने भारत देश में लौट रहे हैं. सो गाइज, राइट नाउ वी आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम सिलगुड़ी टू आवर होम सोरिंग वेस्ट सिक्किम. और अभी सिलगुड़ी से ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है निकले हुए, और इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है कि क्या बताएं आपको. अभी मेरे राइट साइड में ना टिस्टर नदी है. पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था, अभी भी है खूबसूरत, मगर वो पानी का कलर पूरा ब्राउन हो रखा है, मिट्टी मिट्टी. बाकी अभी पापा कार चला रहे, भाई आगे है, वो आगे का ही सीट जो है हाईजेक कर लिया उसने. बाकी देख सकते हैं अब जाम बहुत है, क्योंकि वहाँ पे ना डोजर अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे रास्ता साफ कर रहे हैं. डोजर यानी कि जेसीबी, हम लोग यहाँ पे लोकली डोजर को, मैंने जेसीबी को डोजर वगैरह कहते हैं. हाँ, वैसे इतना सा जाम क्यों है, क्योंकि ना सब लोग अपने अपने रिलेटिव्स के घर से सोए, कोई वापस आ रहा है, कोई वापस लौट रहा है, मैंने इसलिए ज़्यादा जाम लगा हुआ है अभी. और चलो थोड़ा बहुत खोल गए, अभी हम लोग भी निकल गए. बहुत जाम था ना पापा? हेमा बोलिए. वो आगे गाड़ी में नंबर लिखा है ना, कॉल करके बोलो ना, हमको थोड़ा साइड दोगी? So yeah, we have reached home safe and sound. And रास्ते में उतना ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया लोकेशन को दिखाते हुए, क्योंकि आई वॉज़ वेरी टायर्ड, यू नो, द होल डे ऑफ जर्नी गोइंग टू नेपाल, कमिंग बैक, एंड उसके बाद फिर पैकिंग वगैरह. इट वॉज जस्ट अ वेरी वेरी हेक्टिक शेड्यूल. ऊपर से आँख दिखाने के लिए गए थे, और आँख दिखने के लिए डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पर, तो समझ सकते हो कि आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया उस समय. और उसके ऊपर ना डैड ने क्या किया पता है? डैड गाड़ी को चालू करने गए थे, और
गाड़ी का चाबी गाड़ी के अंदर ही रख दिए। उसके बाद फिर भाई को लिटरली सिक्किम से सिलगुड़ी आना पड़ा वो दूसरा चाबी लेके आए। एंड उसमें भी छोटा सा प्रैंक किया था मैंने, वो प्रैंक अलग डलेगा वीडियो में। और हाँ, बाय द वे न्यूज़ फॉर यू गाइस, दोज़ हू लव वॉचिंग माई व्लॉग्स टू द एंड, अब से ना हफ्ते में दो बार व्लॉग डलेंगे, संडे का तो हो गया 10 बजे, और बाकी वेडनेसडे या थर्सडे दोनों दिन में से एक में डलेगा ज़रूर, 5 बजे या फिर वो ये 4 से 6 बजे के बीच में कहीं पे तो डलेगा वो, अभी टाइम डिसाइड किया नहीं है मैंने, बट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ। एंड या इफ यू लाइक माई वीडियोज देन डू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और उसी के साथ बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।